कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने बिलाखिर गजा में जंगबंदी की मुखालफत कर दी। ट्रूडो का कहना है इंसाफ की कीमत फलस्तीनी शहरियों का कत्लेआम नहीं हो सकता। ट्रूडो ने इसराइल की हिमायत का आदा भी किया। कैनेडियन हुकूमत का इमिग्रेशन अहदाफ में इजाफे का फैसला। 5 लाख नए मुस्तकिल रिहायशियों को खुशामदीद कहा जाएगा। इमिग्रेशन मिनिस्टर का कहना है मुख्तलिफ शोबों में अफरादी कुव्वत में इजाफा किया जाएगा। पियर पॉलिवर की ट्रूडो पर तनकीद। कैनेडियंस को तकसीम करने का इल्ज़ाम। पॉलिवर का कहना था कि ट्रूडो के 8 साल दौर में सब कुछ टूट गया है। रूसी सदर पुतिन का बड़ा फैसला। जौहरी तजुर्बात के खिलाफ माहदे की तौसीक मनसूख करने की कानून पर पुतिन के दस्तखत। रूसी पार्लियामेंट कानून पहले ही मंजूर कर चुकी है। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि उनका मुल्क इसराइल के अपने दिफा के हक की हिमायत करता है। ताहम उन्होंने साथ ही ये वजाहत भी की कि इंसाफ की कीमत फलस्तीनी शहरियों का कत्लेआम नहीं हो सकता। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट पर यह भी कहा, हम गजा के शहरियों खासतौर पर बच्चों पर जंग के तबाहकुन असरात के बारे में बहुत फिक्रमंद हैं और हम इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी का मुतालबा करते हैं ताकि वहाँ इमदाद पहुँचाई जा सके। ट्रूडो ने हमास के जेर हिरासत अफराद की फौरी और गैर मशरूत रिहाई पर जोर भी दिया। उन्होंने कहा कनाडा अपने शहरियों और तमाम गैर मुल्की शहरियों को गजा से निकालने के लिए काम कर रहा है। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अपने ट्वीट में मजीद कहा कि रफा क्रॉसिंग पर नकलो हरकत के बारे में खबरें मुस्बत हैं और हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बशमूल कैनेडियन और दीगर गैर मुल्की शहरी वहाँ से निकल सकें। हम शहरियों के तहफ़ और बैन अवी कानून की पासदारी की हिमायत जारी रखेंगे। याद रहे कि इसराइली फौज पर फलस्तीनी मजाहमतकारों की तरफ से 7 अक्टूबर से शुरू किए गए हमलों के जवाब में इसराइल की तरफ से गजा की पट्टी पर मुसलसल बमबारी जारी है, जिसके नतीजे में हजारों अफराद मारे जा चुके हैं। हालिया बरसों में अपने इमिग्रेशन अहदाफ में कई बार इजाफा करने के बाद कैनेडा की हुकूमत ने ऐलान किया कि वो 2026 में 5 लाख नए मुस्तकिल रिहायशियों को खुश आमदीद कहने के अपने हदफ को बरकरार रखने का इरादा रखती है। इमिग्रेशन के वजीर मार्क मिलर ने कहा कि इस हदफ का मकसद लेबर सप्लाई को सपोर्ट करना है, जबकि रिहायश और सेहत की देखभाल पर दबाव को कम करना है। मिलर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कैनेडियन हमें क्या कह रहे हैं, माहरीन इक्तिसादियात हमें क्या बता रहे हैं, यह है कि हमें इमिग्रेशन के माइक्रो इकोनॉमिक असरात में गौता लगाना होगा। हुकूमत ने हालिया बरसों में अपने इमिग्रेशन के अहदाफ में मुसलसल इजाफा किया है ताकि अफरादी कुव्वत को बढ़ाया जा सके और उम्र रसीदा आबादी की मदद की जा सके। पिछले साल हुकूमत ने 2023 में 4,65,000 लोगों को मुस्तकिल रिहाइश देने का मंसूबा जारी किया, जो कि 2025 तक बढ़कर 5 लाख तक जाने का मंसूबा है। 2015 के लिए इमिग्रेशन का हदफ 3 लाख से कम था। मार्क मिलर ने कहा कि हुकूमत अब अपने मंसूबा बंद इमिग्रेशन इनटेक को ख़त्म कर रही है ताकि ये देखें कि कनाडा के इमिग्रेशन प्रोग्राम में किस किस्म की एडजस्टमेंट की जा सकती है। उन्होंने कहा इन नंबरों की ज़रूरत थी, लेकिन अब हमें उन पर एक नज़र डालनी होगी जहां हमें लगता है कि वो माकूल हैं, जहां हमारे ख्याल में ये मायने खेज है। हमारे पास बहुत सारे पेचीदा हिसाबात हैं जो हमें बनाने की ज़रूरत है और हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत है। कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा पियर पॉलिवर ने ट्रूडो पर होम हीटिंग ऑयल टैक्स मौकफ के साथ शहरियत की दो किस्में बनाने का इल्ज़ाम लगाया। ट्रूडो के बारे में कदामत पसंद रहनुमा का कहना है कि वो नस्ल, जिंसियत, वैक्सीन की हैसियत
और अब खित्ते के लिहाज से तकसीम को फरोग दे रहे हैं। क़दामत पसंद रहनुमा पियर पॉलिवर ने वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो उन लोगों के लिए कार्बन टैक्स में छूट देकर कैनेडियंस की दो तबके पैदा कर रहे हैं जो घर को गर्म करने का तेल इस्तेमाल करते हैं जबकि घरानों को लीवी अदा करने के लिए दीगर ईंधन इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। पार्लियामेंट हिल पर एक कंजर्वेटिव कॉकस के इजलास से खिताब करते हुए पॉलिवर ने कहा कि ये बुनियादी तौर पर गैर मुनसिफाना है कि अटलांटिक कैनेडा के देही बाशिंदों के जरिए इस्तेमाल होने वाले ईंधन का जरिया हुकूमत के 3 साल तौकफ के दौरान बगैर टैक्स के रहेगा। जस्टिन ट्रूडो के 8 साल बाद सब कुछ टूट गया है। जब गर्मी शुरू होती है तो वो क्या करता है, वो तकसीम करता है और तवज्जो हटाता है। वो एक बार फिर मुल्क को टुकड़े टुकड़े कर देगा, कैनेडियन को कैनेडियन के खिलाफ कर देगा। हम जानते हैं कि वो ये कैसे करता है। नस्ल, जिंसियत, वैक्सीन की हैसियत और अब इलाका, ये उसकी ताज़ा तरीन तकसीम और फतह की हिकमत अमली है। पॉलिवर ने ट्रूडो के बारे में कहा, वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लोगों को बदनाम करने वाला है। रूस ने जौहरी तजर्बात पर आयद पाबंदी के मुहदे की तौसीक को मनसूख कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट से मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जौहरी तजर्बात ना करने के मुहदे की तौसीक मनसूख करने के कानून पर दस्तखत कर दिए। रूसी पार्लियामेंट जौहरी मुहिदा ना करने की तौसीक मनसूख करने का कानून पहले ही मंजूर कर चुकी थी। मीडिया की रिपोर्ट से मुताबिक रूसी पार्लियामेंट में मुतफिका तौर पर कानून मंजूरी के बाद रूसी सदर प्योतन के दस्तखत के लिए भेजा गया था।